हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज हम बनाते हैं बच्चों के लिए समोसे। वैसे तो मार्केट से भी आते हैं, बट अपने हाथ का बनाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इसके लिए मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली है, जिससे कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, क्योंकि परेशानी होती है लोगों को देखने में। तो मैंने 4 बॉयल आलू लिए हैं, उसको अच्छे से मैश कर लिया है। थोड़ा मोटा मोटा पीस में ही रखा है, बिल्कुल कुचला नहीं है। 3 से 4 मिर्च, बारीक हरी मिर्च, थोड़े से काजू जो मैंने आधे आधे पीस में काट लिए हैं, थोड़ा सा पनीर जो मैंने छोटे छोटे इसमें टुकड़े में काट लिया है, ये है बॉयल्ड मटर, थोड़े से बॉयल्ड कर लिए हैं, और बाकी तो हमारा उसमें हो ही जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैस को कढ़ाई भी मैंने रख दिया है, अब उसमें थोड़ा ऑयल डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। ये देखिए, अब इसमें सबसे पहले हम अपने मसाले डालेंगे। मसालों में हमारा आ जाता है थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी सौंफ पिसी हुई, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, और ये कड़ी पत्ता सूखे हुए हैं मेरे पास, तो हम ये डालेंगे। और ये आलू हम तुरंत ये डाल देंगे, वरना धसक लग जाएगी। गैस को कम कर देंगे, वरना मिर्च की धसक लगेगी। सुनो इस पर, ये देखिए, हम इसको भूनना है। उबले हुए हैं, ये सारा उबला हुआ है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे से इसको मिक्स करना है जो हमारा ये मसाला सारा मिल जाए। अब ध्यान रखना, आलू थोड़े मोटे पीस में रखना, ज़्यादा मोटे नहीं, थोड़े सही, बिल्कुल ज़्यादा पतले पतले कुचले भी अच्छे नहीं लगते, इसमें थोड़े दरदरे ही अच्छे लगते हैं। अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें अपना पनीर। हम पहले नहीं डाल रहे थे, क्योंकि हम जी सारा फिर कुचल जाएगा, इसलिए हम थोड़ा ऊपर डालते हैं। ये हमारा मसाला बनके तैयार हो गया, गैस बंद कीजिए, अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। चलिए, ये देखिए, मैंने मैदा लिया है, ये कम से कम 200 ग्राम होगा, 200 से 250 ग्राम, हमने जितना मसाला लिया है उसके हिसाब से करा। बाई चांस हमारा ये बच जाता है गुंधावा आटा, तो वेस्ट नहीं करना, उसके आप नमक पारे उतार सकते हैं। तो हमने आटा ले लिया है, उस हिसाब से हमें सिर्फ 2 चम्मच इसमें ऑयल डालना है, रिफाइंड, मतलब जिससे कि ये सॉफ्ट बने। बस इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, पहले थोड़ी सी डाल देंगे अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, नमक थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि हमने आलू के हिसाब से डाल दिया था, तो इसलिए कम ही रखो, ज़्यादा खाया नहीं जाता, बहुत बेकार होता है वो। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी लेके हमें इसका आटा लगाना पड़ेगा, पहले हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो ये देखिए, हमने इसमें मोइन मिक्स कर दिया है, मीन्स रिफाइंड, और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको हम मांडेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम गूंधेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे ही गूंदो। ये देखिए, हमें ऐसा आटा मांडना है, ना ज़्यादा ये पतला है ना ज़्यादा मोटा है। अब इसको कम से कम हम 8 से 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इस बीच में हम अपनी कढ़ाई रखेंगे गैस में, उसमें ऑयल या रिफाइंड कुछ भी डालेंगे। साथ में एक और चीज़ करनी है हमें, थोड़ा सा 1 चम्मच कटोरी में मैदा लेना है, इसका घोल बनाना है, इसको पतला करना है, क्योंकि जब हम उसको बाइंड करेंगे, बांधेंगे समोसों को, तो हमें इसका उपयोग चाहिए, तो हम इसको थोड़ा घोल बनाते हैं। ये देखिए, हमें ऐसे इसका घोल बनाना है, गांठ नहीं पड़नी चाहिए। जब हम छोटे थे, हम अपनी कॉपी किताब चिपकाते थे, तो ऐसी लई बनाते थे, ये तो मैदा है, हम आटे की बनाते थे, उसे पकाते थे पहले, मगर इसको हमें नहीं पकाना है। लई ऐसी बनती थी, गोंद का काम करती थी, पुराने ज़माने के सारे लोग लई का काम करते थे, ये फेविकोल फेविस्टिक तो अब चल गई हैं, मगर पहले हम आटे का यूज़ करते थे। ऐसे हमें घोल बनाना है, अब हम अपनी गैस पे कढ़ाई रखते हैं। ये देखिए, अब हमारी ये थोड़ी ठंडी भी हो चुकी है, क्योंकि गरम गरम भरेंगे तो वो ढंग से नहीं बनेंगे, फटने का डर रहता है। हमारी ये सब्ज़ी ठंडी हो चुकी है। तो देखिए, जब तक हम अपने समोसे की फिलिंग करते हैं, तब तक मैंने रिफाइंड भी डाल दिया है कढ़ाई में, जब तक ये गर्म होता है हम वो अपना भरते हैं। तो चलिए आइए, देखिए हमारा ये आटा काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, ये स्लैब है, मैं इसी पे रोटी बनाती हूँ, साफ़ करती हूँ, तो
तो इसी में बनाती हूँ मैं। तो इसको पहले हम 1 से 1.5 मिनट ऐसे फेटेंगे, ढंग से अच्छे से, मतलब अच्छे से गूंधेंगे बढ़िया तरीके से, अच्छे से करना है इसको। फिर हम उसके ऐसे ऐसी गोले बना देंगे। ऐसे गोले हमने ऐसे गोले बना लिए, और दोनों हथेली को लेकर हमें इसे ऐसे गोल गोल करना है। इसके अंदर बिल्कुल भी सलवट नहीं होनी चाहिए, मुड़ावा नहीं होना चाहिए, हल्के हल्के हाथों से करना है गोल गोल। ऐसा एक बूंद रिफाइंड लगा के इसको रोटी के आकार से बेलना है गोल। ये देखिए मैंने इसे गोल बेल लिया है। अब इसको हाफ हाफ काट लेंगे चाकू की मदद से, ठीक है। अब हम एक पीस लेंगे इसका, हाथ में रखेंगे, घुलावा मैदे को आधे पीस पे लगाएंगे, सिर्फ आधे पीस पे। ऐसे लगा के हम इसको ऐसे करेंगे मोड़ के, हल्का सा दबा देंगे और हाथ की कुल्लो बनाकर इसके अंदर फिलिंग करेंगे। काजू भी आना चाहिए, पनीर भी आना चाहिए। आपको इसे बड़ी शेप में बनाने हैं तो आप बड़ी शेप में ही बना सकते हैं, ये आपके ऊपर वो है, डिपेंड करता। अब ये जो बच रहा है हमें, इस पर भी घुलावा आटा जो था हमारा मैदे का वो लगा देंगे। तो ध्यान रखिए आटा गूंदने से पहले थोड़ा सा अलग से निकाल के रख लीजिएगा, बाई चांस इस स्टेज पर आकर आप भूल जाते हो मैदा निकालना तो कोई बात नहीं, आप आटे का भी बना सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, हमने इतने बनाए हैं क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं तो वो छोटे छोटे ही खाते हैं, उनका छोटा छोटा मुंह होता है। अगर आप बड़े बनाना चाहते हो तो आप इसको आकार बड़ा भी कर सकते हो। ऐसे ही हम बाकी सारे अपने ये बेल लेंगे, भर लेंगे। ये देखिए अब हमारा, देखते हैं ऑयल गर्म हो गया या नहीं हो गया। बीच में हमने कम भी कर दिया था, थोड़ा सा आटा डाल के देखना पड़ता है इसको पहले, तो लगभग हमारा हो ही गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपने बने हुए समोसे। अब इसमें हम एक एक करके बड़े आराम से समोसे डालेंगे, जितना ऑयल है उसी हिसाब से डालना, क्योंकि डीप फ्राई होता है, ज़्यादा करोगे तो सिक नहीं पाएंगे ढंग से। गैस को थोड़ी सी कम कर देंगे और सिकने देंगे इसे। देखिए अब इसको बीच बीच में पलटते रहिएगा, या तो हमें गैस कम करके धीमी धीमी आंच में सेकना है, या फिर इस स्टेज पे हम इसको निकाल सकते हैं, फिर दोबारा डीप फ्राई कर सकते हैं। सारे ऐसे करके निकाल लीजिएगा या इसी को धीरे धीरे सिकने दीजिएगा। गैस को थोड़ी मीडियम ही रखिएगा, ज़्यादा तेज नहीं। अब कम से कम इसको 2 से 2.5 मिनट लगेंगे अंदर तक सिकने। ये देखिए दोस्तों हमें 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमने गैस को कम ज़्यादा करके बीच बीच में करके इसे सेक लिए, क्योंकि हम इसे उतार के दोबारा डीप फ्राई नहीं करना चाहते, हम एक ही बार में सेक लेना चाहते हैं। तो इस स्टेज पे आपको थोड़ी गैस कम थोड़ी ज़्यादा ऐसे करके बीच में सेकने पड़ेंगे। अब लगभग ये सिक चुके हैं, अब इसको हम उतारेंगे और सर्व करेंगे। गैस को कम करना है, फिर निकालना है इसे। तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसको निकाल लिया है और एक प्लेट में सर्व कर लिया है। तो ये देखिए अब हम इसे पहले तोड़ के देखते हैं, बहुत गर्म है, वाओ। अभी खा के देखिए और बताइए कैसे लगे, जैसे भी लगे हों कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।